You have picture and lock. तो पीछे ना कोई सिंगल लेना हीरोइन का एक मिनट आप है ना हीरोइन की बाजी में जाओ और डायरेक्टर हीरो की बाजी में दो पड़ गया है तो रोमान तो बड़े किधर से और पिक्चर लेने जाए साथ हाँ इधर से मार दे मीडिया भाई को घूम के साथ मरते ना 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 तो अलग से मार गया सारे आ रहे ना एक फिल्म के बारे में बात करें क्या है फिल्म का टाइटल नाम और ये किस तरह की मूवी है फिल्म का जो टाइटल है वो 12 आवर्स है फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ जो एक गांव से बिलोंग करते हैं और किसी वजह से उनको अपना गांव छोड़ करके घर छोड़ करके शहर में आना पड़ता है शहर में आकर के हस्बैंड जो होता है वो जॉब की तलाश में इधर उधर भटकता है उसके बाद उसको जॉब मिलती है लाइफ थोड़ी सी सेटल होती है लेकिन जो शहर के जो एनवायरनमेंट है उसमें एडजस्ट हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और जो वाइफ होती है उसको भी मीन्स हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है इसके बाद क्या होता है कि एक मोमेंट पे पुलिस आती है और जहाँ ये लोग रहते हैं नॉक करती है दरवाज़ा वाइफ जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो पुलिस को देख के शॉक हो जाती है और पुलिस उनको ये बोलते हैं कि आपके हस्बैंड का हमको डेड बॉडी मिला है फोटो दिखा दें और वहाँ से उनको लेकर के उस उनके हस्बैंड के डेड बॉडी तक पहुँचने तक की जो जर्नी है किस तरह से क्या क्या करके गुजरते हैं और कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं ये 12 घंटे में आपको दिखाया जाएगा कौन अगर बात करें आप इसमें लीड रोल में हैं जी हाँ और मेरे साथ कल्पना शाह जी हैं जो कि काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं और यारियाँ फिल्म में ऑलरेडी काम कर चुकी हैं
इससे पहले कितना काम दे चुके हैं बॉलीवुड में, अगर फर्स्ट आपका डेब्यू कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं, मेरा ये डेब्यू फिल्म है, बट इससे पहले मैंने शॉर्ट फिल्म्स काफ़ी की हैं और थिएटर्स किया हुआ है, ये डेब्यू फिल्म है। अगर इस फिल्म में अगर बात करें, क्या उम्मीदें हैं आपके इस फिल्म, फर्स्ट मूवी है आपकी, किरदार को लेके क्या क्या आपने तैयारियां की? किरदार जो है ये मुझे पहली बार जब मैंने सुना था तभी मुझे ये पसंद आया था, क्योंकि एक चैलेंजिंग रोल है, बहुत ही कॉमन मैन का कैरेक्टर करना है, तो मुझे लगता है कि आजकल जो है स्टोरी कॉन्सेप्ट पे चलती है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें मतलब नाच गाना हो, मार धार हो, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो लोगों को पसंद आती है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है और हर किसी को रिलेट करता है, इसलिए मुझे ये पसंद है और मुझे पूरा यकीन है कि लोगों को भी पसंद आएगी। थैंक यू। जी कल्पना जी, बताइए कि ये फिल्म जो 12 हॉर्स है, यारिया के बाद में क्या खास लगा जो आप इस मूवी में काम कर रही हैं? देखिए, यारिया फिल्म करके तो मुझे बहुत अच्छा प्रमोशन, हर चीज मिला, पब्लिक का बहुत प्यार मिला, लोगों का प्यार मिला, लेकिन 12 आवर्स जो है बेसिकली एक ऐसी वुमेन की स्टोरी है जो कि एक आम लड़की है, तो हम काफी सारी हम फिल्में करते हैं। वापस एक बार फिर से हम इसको, यारिया करके मुझे काफी अच्छा प्रमोशन पब्लिसिटी मिली, बट 12 आवर्स की जब मैंने स्टोरी सुनी तो बेसिकली एक ऐसी कॉमन गर्ल की स्टोरी है, एक ऐसी गांव की लड़की की स्टोरी है जो मुझे लगा कि बाकी कहानियों से एकदम डिफरेंट है और मुझे इसमें कुछ नया करने को मिलेगा। बेसिकली ये वुमेन ओरिएंटेड स्टोरी है, एक गांव से आके शहर में बसने वाले एक ऐसे कपल की स्टोरी है जो कि गांव के एक जॉइंट फैमिली को ब्रेक करके अपनी नई जिंदगी बसाने शहर में आते हैं, फिर किस तरह से उस औरत की जो खोज है अपने पति के लाश को सिर्फ पाने की, जो एक भाग दौड़ है वो थ्रू आउट स्टोरी में आपको मिलेगी। क्लाइमैक्स तो सस्पेंस है, वो फिल्म कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा क्या है, फिल्म मार्केट में आने के बाद ही पता चलेगा। जी विद्या बालन जी की फिल्म आई थी जिस तरह की, वो अपने पति को ढूंढती है, क्या इस तरह की ही कुछ आप लीड रोल में नजर आएंगी पूरी तरह से? ये कह सकती हूँ कि नहीं, वो कहानी विद्या बालन जी की फिल्म की तरह तो नहीं है, लेकिन लीड रोल बिल्कुल वैसा ही है, और स्टोरी काफी हद तक उस फिल्म से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो अपने पति को वो एक नेट के थ्रू सर्च करती है, बट मैं तो एक आम लड़की की जो किरदार वो निभा रही हूँ। जी, और खासकर ये होता है कि आजकल फिल्मों में काफी हीरोइनें जो लीड रोल में आ रही है, हाँ, और अच्छी फिल्में चल रही है, पहले ये होता था कि जो हीरो एक्टर जो होते थे वही फिल्म के लीड रोल में होते थे, कहीं ना कहीं मानती है कि जो लेडीज विभाग जो है एक्ट्रेस, हाँ, हाँ, वो अभी दमदार हो रही है धीरे धीरे। बिल्कुल, अभी क्या है वुमेन साइड ज्यादा स्ट्रांग हो रही है और ज्यादातर वुमेन ओरिएंटेड फिल्में ही बन रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी फिल्म बहुत कमाल दिखाएगी, क्योंकि मैं अपनी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, बाकी तो ईश्वर के हाथ में है और पब्लिक के हाथ में। यारिया कितना बेनिफिट मिला आपको, बात करें बॉलीवुड में कदम रखने में या फिर कुछ भी है, यारिया कितनी सक्सेसफुल हुई है और उसके लिए क्या आपको एक्सपोजर मिला? यारिया से तो मुझे बहुत अच्छा मुझे प्रमोशन मिला और मार्केट में लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके बाद मैं और एक फिल्म कर रही हूँ, क्या फर्क पड़ता है फिल्म का टाइटल है, और बहुत जल्द उसकी शूट के लिए मैं यूरोप निकल रही हूँ ऑलमोस्ट जुलाई फर्स्ट वीक में, तो मुझे लगा कि यारिया से मुझे काफी अच्छा खासा फायदा हुआ। 12 घंटे क्या है एक लाइन में अगर बात करें, अजय जी की फिल्म है ये 12 घंटे, 12 घंटे हम नौकरी करते हैं, 12 घंटे जगते हैं, ऑलमोस्ट अपनी लाइफ के काम धाम के जो हमारे 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे बेसिकली एक आम इंसान के जिंदगी के वो 12 घंटे हैं जिसमें वो बहुत सारी पेचीदगियों में फंस कर उसकी जिंदगी में एक दिन में क्या ड्रामा क्रिएट होता है, ये वो 12 घंटे हैं। जैसे होर्डिंग में दिखाया गया है आपका फोटो, उसका हाँ, क्या कहना है इसके बारे में? के ऊपर एक देखिए, मैं बहुत मिस्ट्री लग रहा है अगर बात करें तो, मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्क्लोज तो नहीं करूँ, क्योंकि मेरे डायरेक्टर जो अजय जी हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझा के भेजा कि मैं बहुत ज्यादा तो डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बट ये कहना चाहूँ कि बेसिकली एक कॉमन मैन की लाइफ में 12 घंटे में क्या क्या हो सकता है वो सारा कुछ इन 12 घंटों में है। आखिरी सवाल, क्या क्या आने वाले प्रोजेक्ट हैं आपके, बात करें तो? देखिए मेरी आने वाली फिल्म है क्या फर्क पड़ता है, उसके बाद और एक फिल्म कर रही हूँ मैं गन पे डन, और ये 12 आवर्स, तो ये तीनों मेरी फिल्म में लाइनअप है, और आई होप कि आने वाले वक्त में 2014 और 15 में शायद पब्लिक पसंद करेगी। ये मूवीज जो आ रही है यारिया ने अच्छी खासी आपको पहचान दिलाई, ये 12 हॉर्स की बात करें आपको लगता है कि वो एक ऊपर पंच आपको एक और देगी, या कोई ऐसा स्टार है जिसके साथ में आपकी मूवी आ रही हो? देखिए, मुझे लगता है कि 12 आवर्स से मुझे फायदा ये होने वाला है,
इसमें मुझे काम करने के लिए, परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस मिलने वाला है। उसमें मैं अपने एक्टिंग को अच्छी तरह से, अपने किरदार को बखूबी निभा सकती हूँ। हालांकि यारिया में भी मैंने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है, बहुत अच्छा अपना किरदार निभाए, लेकिन इसमें मुझे स्पेस ज्यादा मिलेगा। और आने वाले वक्त में मैं एक, जैसे आपने कहा वुमेन ओरिएंटेड फिल्मों की जो बात कर रहे हैं, तो इस पे मैं अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाऊंगी मार्केट के अंदर। थैंक यू जी। फिल्म किस तरह की फिल्म है, इसमें आप डायरेक्ट कर रहे हैं? ये फिल्म काफी खूबसूरत है और कहानी इसकी सबसे अब तक की आई हुई फिल्मों से डिफरेंट है। और हम अपनी फिल्म में एक 12 घंटे की जर्नी दिखा रहे हैं, जो एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है। और एक लेडी 12 घंटे कैसे स्ट्रगल कर रही है अपने हस्बैंड का डेड बॉडी खोजने को, और उसकी डेड बॉडी मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है, ये फिल्म देखने के बाद ही चलेगी। करल जी, आप क्या कहना चाहेंगे स्टोरी को लेकर? आपने फिल्म बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कहना सर? प्रोड्यूस साथ मैं एक फिल्म का राइटर भी हूँ, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट थॉट मेरा अपना है खुद का, और इस चीज़ को मैंने बहुत करीब से फील किया, महसूस किया है। और इस कहानी में एक जान है जो ऑडियंस भी सोचेगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से मैं इस कहानी से जुड़ा हुआ हूँ। और बेसिक में मेरा जो सोचना था कि आज जो दौर में ज्वाइंट फैमिली का जो दौर खत्म हो रहा है, हम इस फिल्म के जरिए जो है देखना चाहते हैं कि ज्वाइंट फैमिली कितनी अहमियत होती है, खास करके ऐसे मौके पर जब कोई मुसीबत आती है तो ज्वाइंट फैमिली हमें साथ देती है। इसमें कितने गाने हैं अजय जी, अगर बात करें किस तरह का मूड है, किस किसने गाए हैं? गाने अभी तो हमने एक ही सिंगर से गवाया है, गाना टीम है वो श्वेता पाटवा जी हैं और बहुत अच्छी सिंगर हैं। मुझे उनसे मिलके ऐसा लगा जैसे मैं लता जी से मिल गया। आप दो दो प्रोड्यूसर हैं, एक फिल्म के लिए क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? फिल्म की कहानी तो बहुत अच्छी है, इट इज अ थीम फॉर द कपल्स हु आर कमिंग टू बॉम्बे फ्रॉम अदर स्टेट्स, एंड इट्स वेरी गुड गाइडेंस फॉर those people who will see this movie. अजय जी, कल्पना जी को लेने का खास मकसद इस फिल्म में? कल्पना जी काफी टाइम से मेरी अच्छी दोस्त रही है और मैं उन्हें करीब से जानता हूँ और एक अच्छी आर्टिस्ट है, ये मुझे पहले से पता था। और मैं जब प्यारेलाल जी मुझे अप्रोच किए इस फिल्म के लिए, तो मैंने कहानी सुना तो मुझे कल्पना जी दिखाई दी कि नहीं, इस चीज में वो बेस्ट हो सकती है। थैंक यू सर।